पे सिखा रहे थे कि इनका जो ओवर प्रोडक्शन है, राइट है, क्या है? ओवर प्रोडक्शन. ओवर प्रोडक्शन का मीनिंग है कि एवरी इंडिविजुअल है टेंडेंसी टू प्रोड्यूस मोर, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी होती है इंडिविजुअल के पास. अब ये इंडिविजुअल क्या करता है कि अपनी ही लाइफ में बहुत ज्यादा जितना हो सकता है उतना रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करता है. जैसे यहाँ पे दिया गया फीमेल सालमन जो है ये 2.8 करोड़ के करीब एग्स देती है, ऑयस्टर जो होती है 16-18 मिलियंस के करीब एग्स देती है, कॉड फिश जो होती है 10 मिलियंस के करीब एग देती है, एलिफेंट सबसे स्लो ब्रीडर है. ये सबसे स्लो ब्रीडर होने की वजह से ये 6 जो होती है 6 इन्फेंट्स आप कह सकते हैं 6 ऑफस्प्रिंग इन वन लाइफ स्पैन में देती है. मैं कह रहा हूं कि जब भी आप बायोलॉजी सीखते हैं लर्न डीपली, मेक योर कॉन्सेप्ट, लर्न द बायोलॉजी, डोंट लर्न द सब्जेक्ट बायोलॉजी. और जब मैं क्लास में आता हूं तो उसमें आपको बायोलॉजी सिखाता हूं, डोंट गो इन टू द सब्जेक्ट. आप सब्जेक्ट में मत जाओ, इसको लर्न विथ इंटरेस्ट. तो ओवर प्रोडक्शन इट वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन का कॉन्सेप्ट. अब इस ओवर प्रोडक्शन में उन्होंने क्या बताया कि जब ओवर प्रोडक्शन होता है तो इतने ज्यादा जो है एनिमल प्रोड्यूस हो जाते हैं कि एक तो इसमें क्या था, वेरिएशन था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स. आप चारों तरफ घूम करके नजर घुमा के देखिए तो बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स आपको मिलते ही मिलते. दूसरा क्या है इसमें, वो प्लांट्स और एनिमल्स में दो टाइप के वेरिएशन दिखाई दिए, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस. फिर ओवर प्रोडक्शन की बात आई. अब ओवर प्रोडक्शन में जो एनिमल पैदा होते हैं वो एक लिमिटेड रिसोर्सेस पे क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं. उनके अगल बगल जो खाने पीने की चीजें होती हैं उसमें सर्वाइव करते हैं. एंड दे हैव टू स्ट्रगल फॉर 3 थिंग्स. पहला चीज है फूड, दूसरा है शेल्टर, तीसरा है सेक्स और चौथा है क्लोथ्स, जो स्पेशली आदमी के लिए है. तो तीन चीजों को साइंस कंसीडर करती है, फूड शेल्टर और सेक्स. ये तीन चीजों को कंसीडर करती है. फूड की जरूरत इसलिए फर्स्ट नेसेसिटी है क्योंकि पेट भरना चाहिए. अगर आपका पेट नहीं भरता है तो निश्चित तौर पे कोई भी एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकता. सो फूड इज द फर्स्ट अवेलेबिलिटी. सेकेंड अवेलेबिलिटी दैट इज द शेल्टर, लिविंग प्लेस. उनके बीच में स्ट्रगल होता है. थर्ड वन इज द सेक्स. सेक्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द लाइफ और इसके लिए भी एनिमल में जो होता है वो स्ट्रगल होता है. तो स्ट्रगल जो है इट इज अ परमानेंट इनटू द लाइफ, ये है ही. कंटिन्यूअस इनटू द लाइफ, ये है ही. इस बात को डार्विन ने एक्सप्लेन किया. इफ यू सी द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, फॉर द सर्वाइवल, देर आर बेसिकली 4 टाइप ऑफ द स्ट्रगल्स आर फाउंड व्हिच हैज मेंशनड इनटू द बायोलॉजी. इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रगल. पहला है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, राइट. इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल ये बता रहा है कि दो स्पीसीज के बीच में अगर स्ट्रगल हो रहा है, इंटर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक. इंट्रा स्पेसिफिक अगर एक ही स्पीसीज के दो, एक ही जात के दो कैंडिडेट में स्ट्रगल हो रहा है उसको हम बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल. इंटर इंट्रा स्पेसिफिक अगर स्ट्रगल ये एक ही फैमिली में पाया जाता है, और एनवायरमेंटल स्ट्रगल ये कैसा होता है, एनवायरमेंट से होता है. जरा इसको समझिए, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल में दो स्पीसीज के बीच में स्ट्रगल होता है. जैसे एक मैन है एक काऊ, उनके बीच में खाने पीने का जो स्ट्रगल है वो इंटर स्पेसिफिक. इंट्रा स्पेसिफिक किसमें हो गया, इंट्रा स्पेसिफिक हो गया कि काऊ और काऊ के बीच में, मैन और मैन के बीच में जो फाइटिंग होती है उसको बोलते हैं इंट्रा. उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा. इंटर इंट्रा सेम फैमिली में भाई बहन के बीच में, बाप और माँ के बीच में, माँ और बेटे के बीच में जो स्ट्रगल है उसको इंट्रा स्पेसिफिक. और एनवायरमेंटल स्ट्रगल एवरी ऑर्गेनिज्म फाइट अगेंस्ट द एनवायरमेंट. तो ये जो स्ट्रगल्स हैं ये स्ट्रगल लाइफ में रहते रहते हैं. कभी तो ऐसा भी कहा गया है स्ट्रगल इज द लाइफ,
स्ट्रगल इज लाइफ, स्ट्रगल जो है संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष ही जीवन है। जो लड़ा नहीं उसका जीवन क्या, जो लड़ा नहीं उसका जीवन क्या। तो ये स्ट्रगल की बातें हैं, जो स्ट्रगल की बातों को हम लोग यहां पर देखते हैं, राइट है। अब इसमें क्या है कि स्ट्रगल होने के बाद होता क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होता है वो सर्वाइव करता है, जो फिट होता है वो सर्वाइव करता है। यहां पे तीन डायग्राम दिए गए हैं और इस डायग्राम को इससे पहले, इस डायग्राम को इससे पहले लैमार्क ने दिया था। लैमार्क के और डार्विन के डायग्राम में अंतर है। लैमार्क ने यह बोला था, थोड़ा सा हम यहां पे कंपेयर करके पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, कि लैमार्क ने यह बोला था कि हॉर्स जिराफ डेवलप फ्रॉम द हॉर्स बाय द यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। टू एग्जांपल्स, उनके दो एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट रहे, एक जिराफ डेवलप फ्रॉम द हॉर्स, दूसरा है स्नेक डेवलप फ्रॉम द लिजर्ड, लिजर्ड्स कन्वर्ट इनटू द स्नेक, हॉर्स कन्वर्ट इनटू द जिराफ। अकॉर्डिंग टू द लैमार्क कि दोज हॉर्स हु वर ग्रेजिंग द ग्रासेस ऑन द ग्राउंड व्हेन दे वर सफरिंग फ्रॉम द ड्रॉट्स टू अ प्रोलॉन्ग टाइम देन दे हैड स्टार्टेड टू ईट द लीव्स ऑफ द प्लांट एंड बाय व्हाट हैपेंस दे स्ट्रेच देयर नेक्स रिजल्टिंग द बोन्स ऑफ नेक get increases and they finally converted into the giraffes. So we take the here example of the giraffes only. We take the example of giraffes. Giraffe का ही example हम लेंगे। क्यों giraffe का example लेंगे? क्योंकि Darwin के हिसाब से horse converted into the giraffes after passing time. Evolution is the continuous process. Evolution क्या है? वो continuous process है। और उस continuous process में आप देख सकते हैं कि इस कंटिन्यूअस प्रोसेस में कैसा है कि धीरे धीरे चलता है, इवोल्यूशन धीरे धीरे चलता है, कभी फास्ट नहीं होता है, धीरे धीरे स्लाइटली, एंड टेक्स अ टाइम इनटू द 10 years, 20 years, 100 years, 1000 years, 2000 years एंड बिलियंस ऑफ द ईयर्स, ये ऐसा चेंजेस होता है। एंड ओल्ड स्पीसीज दैट डिराइव इनटू द न्यू स्पीसीज, नई स्पीसीज उसमें बनती है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल काफी अच्छा है। तो इसी को यहां पे डार्विन ने भी बताया। एंड डार्विन ने कैसे बताया कि लैमार्क ने कहा कि जो हॉर्स थे वो हॉर्स क्या कर रहे थे, वो पहले ग्रासेस को चल रहे थे, नीचे उनकी गर्दन नीचे होती थी, फिर हॉर्स के सामने एक समस्या आ गई, बहुत लंबा ड्रॉट्स पड़ गया, तो जब घास नीचे की सूख गई तो उन्होंने पेड़ की पत्तियां खाना शुरू किया तो धीरे धीरे नीचे की पत्तियां खत्म हो गई तो ऊपर की पत्तियां खाना शुरू किया, ऊपर की लीव्स को। अब उनकी आदत हो गई कि जो गर्दन नीचे करके वो चढ़ते थे उसको उन्होंने ऊपर किया और फिर ऊपर इसको लाया। मींस यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन अकॉर्डिंग टू लैमार्क द ऑर्गेनिज्म एनिमल हु यूज द ऑर्गन इनटू डेली लाइफ दैट ऑर्गन बिकम स्ट्रांग एंड व्हिच ऑर्गन व्हिच डू नॉट यूज इनटू देयर लाइफ दे बिकम वीक। उनका कहना यह था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिस ऑर्गन को यूज करता है वो स्ट्रांग होता है और जिसको यूज नहीं करता वो वीक हो जाता है। जैसे हम लोग अपना हाथ, दाहिना हाथ लिखने पढ़ने में यूज कर रहे हैं तो दाहिना हाथ काम करता है, बायां हाथ उसमें लिखने पढ़ने में नहीं आता। जो लोग बायां का यूज करते हैं उनका दाहिना नहीं आता। तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, इट वॉज द थियरी ऑफ लैमार्क। उनके हिसाब से हॉर्स जो थे वो छोटे जानवर थे और छोटे होने की वजह से वो क्या पहले जमीन पे चलते थे, लेकिन जैसे उनके सामने समस्या खड़ी हो गई दे फाइट दे कम इनटू द स्ट्रगल एंड व्हाट हैपेंस दे स्ट्रेच देयर नेक फॉर ईटिंग द लीव्स ऑफ द प्लांट। प्लांट की लीव्स को खाने के लिए अपनी नेक को स्ट्रेच करने लगे। तो जब स्ट्रेच करते थे तो स्ट्रेच करने के दौरान क्या होता था कि उनका जो गर्दन थी वो खींचने लगी, यूज में आ गई और धीरे धीरे गर्दन की बोन्स जो है वो लंबी हो गई और वो जिराफ। But Darwin's example on the giraffe that was the different. Lamarck की थ्योरी में उन्होंने पूछा था, उनके जो क्रिटिसिज्म हुए उसमें पूछा गया भैया कि जब घोड़े से जिराफ बनता है तो आज क्यों नहीं बन जाता है, आज भी बन जाना चाहिए लेकिन नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है, बनना चाहिए। आप बोलते हो बंदर से आदमी बना तो आज क्यों नहीं बन जा रहा है, बन जाना चाहिए, बहुत सारे बंदर घूम रहे हैं, आदमी बन जाना चाहिए, नहीं बन रहा, क्योंकि इट वॉज द कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग द लैमार्क टाइम,
इट वॉज द कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग द लैंडमार्क टाइम, वो लैंडमार्क टाइम का एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन डार्विन ने इस बात को बताया कि ऐसा नहीं होता, इट टेक्स द लॉन्ग टाइम, कंटिन्यूअस इवोल्यूशन इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। और उसमें इन्होंने जिराफ के बारे में ये जो एग्जांपल यहां पे दिए हैं उसी के बारे में दिए, उन्होंने बोला कि ये जो जिराफ थे इसमें कैसा है कि व्हेन दे वेयर सफरिंग फ्रॉम द ड्रॉट्स, व्हेन दे वेयर सफरिंग फ्रॉम द ड्रॉट्स दे स्टार्ट टू ईट द लीव्स, दे स्टार्ट टू ईट द लीव्स, बट ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट हैपेंस, सम कैंडिडेट्स who are the weak and who are suffer from the food problem, food crisis, they die due to the hunger. That giraffes, okay, who are able to eat the tree, leaves of the tree, they were live. They were live. And they transfer the advanced character into the, from the old generation to the new generation. इनका कहना यहां था कि उन्होंने जो ये फर्स्ट डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें जिराफ जो थे नीचे नीचे की पत्तियां तो खा रहे थे, लेकिन उस नीचे की पत्तियां खाने की वजह से जो छोटे थे जिनकी गर्दन छोटी थी वो तो मर गए, जो लंबे थे वो सरवाइव कर गए और आगे नेक्स्ट जनरेशन को फॉलो करने लगे। तो ये था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी यू कैन से कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में कौन सर्वाइव कर सकता है, वही सर्वाइव कर सकता है That candidate which is able to fight against the all type of, हर तरीके से वो fight कर सकता है, हर तरीके से उसमें वो लड़ सकता है, वही survive कर सकता है। अगर हर तरीके से लड़ नहीं सकता तो survive नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। तो survival में क्या होता है, एक दो generation खत्म हो जाती है और जो advance होता है, जो fit होता है वही आगे को जाता है, और जो fit होगा निश्चित है वो क्या होगा, specific होगा। तो डार्विन ने इसको स्पेसिफिक के लिए कहा नेचुरल सिलेक्शन। अब उसके बाद क्या आता है कि जब वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हो गया, एनिमल क्या हो गया, फिट हो गया, सब में फिट हो गया, सब में क्या हो गया, वो फिट हो गया, उसको खाना मिल गया, उसको बहुत सारी चीजें जो अवेलेबल चीजें थी वो मिल गया, सब में फाइट कर लिया, हर तरीके के स्ट्रगल को वो झेल लिया, इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर इंट्रा स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन। तो एनवायरमेंट से बचना बहुत जरूरी है, किससे बचना जरूरी है, एनवायरमेंट से बचना जरूरी है। अगर एनवायरमेंट से नहीं बच पाता है वो, तो निश्चित है क्या होगा, वो मार दिया जाएगा। तो एक स्ट्रगल है बीमारियों से बचने के लिए। अब जैसे एनिमल खाता पीता तगड़ा तो है, मोटा तो है, बहुत मजबूत है, लेकिन वो एनवायरमेंट से लड़ पाएगा क्या, क्योंकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन होते हैं, एनवायरमेंटल डिजीजेज होती है, एनवायरमेंटल में एनवायरमेंट में सर्वाइव करना होता है। तो ये भी चीजें वहां पे काफी इंपॉर्टेंट रही जिसकी वजह से नेचुरल सिलेक्शन की जरूरत होती है। तो व्हेन द वेरिएशन फ्रॉम द वेरिएशन, ओके, ओवर प्रोडक्शन अकर, ओवर प्रोडक्शन स्ट्रगल अकर, आफ्टर देन व्हाट हैपेंस, नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचर उसको सिलेक्ट करेगा कि बेटा तुम सब में तो सफल हो गए, सबको तुम मार पीट करके सबको अलग अलग ढंग से तुमने जो है सर्वाइव कर लिया, एंड यू आर फिट, यू आर द फिटेस्ट अमंग ऑल, ओके, यू कैन अचीव द एवरीथिंग, बट व्हाट हैपेंस नाउ, नेचर स्टार्ट द सिलेक्शन, नेचर एक्सपोज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग कंडीशन को, इसको बड़ा ध्यान से आप समझना, अलग अलग कंडीशन को स्कैनिंग के लिए वो क्या करता है, भेजता है। नेचर सेंड द साइक्लोन, नेचर सेंड द स्टॉर्म, नेचर सेंड द अर्थक्वेक, नेचर सेंड द एक्सट्रीम टेम्परेचर, नेचर सेंड द रेन, नेचर सेंड द फ्लड, नेचर सेंड द ड्रॉट्स, इन सब में भी उसको सर्वाइव करना होता है, इन सब में उसको सरवाइव करना होता है। उससे जो एनिमल सरवाइव हो जाता है, उससे जो एनिमल सरवाइव हो जाता है उसको वो सिलेक्ट कर लेता है, एंड आफ्टर द सिलेक्शन व्हाट हैपेंस, गिव द मींस सर्वाइवल एंड दैट बिकम द स्पेसिफिक। अब वो नेचर में अडॉप्ट कर गया। इसमें तीन बातें आती है, रैपिड सीड रिप्रोडक्शन, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेस, कंपटीशन एंड स्ट्रगल। नेचुरल सिलेक्शन में रैपिड स्पीड से उसका रिप्रोडक्शन होना चाहिए, लिमिटेशन रिसोर्सेज कम रहते हैं और कंपटीशन और स्ट्रगल ज्यादा रहते हैं। इन तीन चीजों के माध्यम से जो होता है वो सर्वाइवल एविडेंसेस करता है नेचुरल सिलेक्शन के लिए। एनवायरमेंटल वेरिएशंस होते हैं, पेडिग्री ऑफ द सम एनिमल्स,
मिमिक्री एंड प्रोटेक्टिव कलरेशन, ये सब इसके एविडेंसेस है किसके, नेचुरल सिलेक्शन के। नेचुरल सिलेक्शन को बेटा मैं आपको यहाँ जो डिटेल्स दिए गए हैं, रैपिड स्पीड ऑफ द रिप्रोडक्शन, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंपटीशन एंड स्ट्रगल, राइट है, इसके अलावा इन्वायरमेंटल वेरिएशन, पेडिग्री ऑफ सम एनिमल्स, मिमिक्री एंड प्रोटेक्टिव कलरेशन, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा जब मैं आपको नेचुरल सिलेक्शन पे डिटेल बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे बस इतना जान लीजिए कि नेचर उसको सेलेक्ट करता है, नेचर उसको क्या करता है, सेलेक्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पे डार्विन के एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन में, बहुत डार्विन के एविडेंसेस दिए गए यहाँ पे, राइट है, जो यहाँ पे सपोर्ट में है उनके दिए गए हैं। तो यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन जब हो जाता है, क्या हो जाता है, नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है, तो उसमें कैसा है कि नेचुरल सिलेक्शन होने पे वो एनिमल क्या हो जाता है कि निश्चित तौर पे, किस पे, निश्चित तौर पे वो किस पे आ जाता है, उसका जो कैरेक्टर है वो इनहेरिट करने लगता है, धीरे धीरे वो पास होने लगता है, और ये पास होते होते क्या हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीसीज हो जाता है। कुछ एविडेंसेस दिए गए हैं, उस एविडेंसेस को मैं आपको बताता हूं कि पहला है फॉसिल रिकॉर्ड एक्सटिंग स्पीसीज आर्माडिलोस एंड द रॉक स्ट्रेटा, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर द क्लाइमेट ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका कैलिफोर्निया चिली हैव द अनरिलेटेड प्लांट एंड एनिमल्स, ओसिनिक आइलैंड टर्टोइस एंड फिंचेज ऑफ द गैलापागोस ऑफ द साउथ अफ्रीका, डार्विन ने इन सब पे काम किया और इन सब पे जो है उन्होंने इसके एविडेंसेस और इवोल्यूशन के सपोर्ट लिए, उन्होंने बताया इसको सपोर्ट करते हैं। तो डार्विन के ड्रॉबैक के बारे में यहाँ पे भी कुछ बातें दी गई, कुड नॉट एक्सप्लेन द बेस ऑफ वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस थ्योरी ऑफ पेंजेंसिस ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर ऑफ द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट वाज रिफ्यूज्ड बाय द वीजमैन, ये वीजमैन ने इसको रिफ्यूज कर दिया था। लेकिन उसमें कुछ क्रिटिसाइजम भी है, एक्सप्लेन ओनली द स्मॉल वेरिएशन, कुड नॉट एक्सप्लेन द यूज ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, फेल द डिस्टिंग्यूश बिटवीन द सोमैटिक एंड जर्मिनल वेरिएशन, फेल्स टू एक्सप्लेन द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, राइट है, इसमें कुछ चीजों को, इन सब चीजों को डार्विन के क्रिटिसिज्म में लिया गया, एंड फेल टू एक्सप्लेन ओवर स्पेशलाइजेशन ऑफ द सम ऑर्गन लाइक द ट्रंक ऑफ एलिफेंट, एंटलर्स ऑफ द आयरिस डियर्स, फेल टू एक्सप्लेन अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स फ्रॉम द एक्वेटिक एनिमल्स, फेल टू एक्सप्लेन अबाउट द डिजनरेशन ऑफ द सर्टेन ऑर्गन। तो इन सारी चीजों को उन्होंने जो है एक्सप्लेन नहीं किया। अब इसके बाद न्यू डार्विनिज्म आया एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय द डार्विन एंड वेलेस, डिस्टिंग्विश बिटवीन जर्मप्लाज्म एंड सोमेटोप्लाज्म, अडॉप्टेशन रिजल्ट फ्रॉम द वेरियस फोर्सेस, कैरेक्टर डज नॉट इनहेरिटेड, इनस्टेड देयर आर द कैरेक्टर डिटरमिनर व्हिच कैन कंट्रोल, राइट है। तो डिफरेंस डार्विनिज्म और न्यू डार्विनिज्म का यहां पे डिफरेंस था, वो डिफरेंस को मैं बता रहा हूं कि डार्विनिज्म इज एन ओरिजिनल थ्योरी एक्सप्लेन्ड बाय द डार्विन, while the neo darwinism is the modification of darwinism produced by the group of scientists to remove the drawback of original theory, new species comes from as a result of continuous variation while the mutation become more effective than the continuous variation during the new species formation, variation accumulate into the individual, variation accumulate into the gene pool, darwin thought that adaptation result mainly due to the single source natural selection, neo darwinism mein kaha gaya hai, it thought that the adaptation result from the multiple forces along with the natural selection, darwinism does not believe into the isolation and isolation is the significant component of the evolution into the neo darwinism, yani ki yahan par jo hai neo darwinism mein bahut sari cheezon ko liya gaya। To beta yahan pe seedhi seedhi baat thi ki darwin ne, किसने, डार्विन ने इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल होने के बाद फिर कैसा होता है कि उनका सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन होने के बाद फिर इनहेरिटेंस हो जाता है और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज हो जाती है। इसमें जो नेचुरल सिलेक्शन एग्जाम्पल है उसको हम नेक्स्ट क्लासेस में बताएंगे, नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताएंगे, और नेचुरल सिलेक्शन के बारे में वहाँ पे बहुत सारे हैं, एडाप्टेशन है, वो सारी चीज़ें हैं जो हम बताएंगे। तो वीडियो पे बने रहिए, इसको देखते रहिए, क्लासेस को आप कंटिन्यू कीजिए, डीकेएस एकेडमी लाइव के जो भी क्लासेस हैं उसमें कुछ ना कुछ आपको अच्छा मिलेगा, देखने लायक मिलेगा, जानने लायक मिलेगा। डोंट कन्फ्यूज अबाउट द ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कन्फ्यूज मत होइए, इट इज़ अ कन्वीनियंट वे टू लर्न। थैंक यू।